हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री में प्रथम कोटि की अभिक्रिया पढ़ा रहा था, जिसमें कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है वह पढ़ा दिए। अब उसका गणितीय रूप पढ़ना है, तो गणितीय रूप में माना कोई अभिक्रिया ए टू उत्पाद है, यानी कि यह अभिकारक हो गया और यह क्या हो गया, उत्पाद हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि टी बराबर जीरो समय पर पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा क्या हो, 1 ग्राम हो। यानी कि टी बराबर जीरो समय पर पदार्थ की मात्रा क्या हो, 1 ग्राम हो। मतलब कि अभिक्रिया प्रारंभ होने से पहले, यानी कि जब दो पदार्थ ले लेते हैं तो दो पदार्थ अब एक दूसरे में मिलाते नहीं हैं, तब पदार्थ की कुछ मात्रा होगी अलग अलग। अगर जब मिला देंगे तो वह क्या होगा, जैसे चीनी है पानी में जब तक नहीं मिलेगा तो वह 1 ग्राम या किसी मात्रा में रहेगा, लेकिन जो ही पानी में मिला देते हैं तो उसकी मात्रा क्या होती है, घटने लगती है। तो यानी कि अभिक्रिया प्रारंभ होने से पहले पदार्थ की मात्रा क्या होगी, 1 ग्राम होगी। और टी बराबर एक सेकेंड बाद पदार्थ की मात्रा क्या होगी, ए माइनस एक्स। मतलब यानी कि अगर चीनी को पानी में मिला देते हैं, जब तक पानी में नहीं मिलाते तब तक तो पदार्थ की मात्रा रहेगी, मान लीजिए 1 ग्राम है। अगर जो ही पानी में मिला देते हैं तो तुरंत वह मात्रा धीरे धीरे घटने लगती है, तो जो जो कण निकल जाते हैं तो वह क्या होगा, एक्स होगा। तो इसी में से घट रहा है तो यह क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार क्या आ जाएगा, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार यह होता है कि अभिक्रिया का जो वेग होता है, अभिक्रिया का वेग वह अभिकारक अणुओं की सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो अभिक्रिया का वेग यह समानुपाती होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए, यहाँ पे अभिकारक पदार्थ की सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो अभिक्रिया का वेग जो होगा वह डी एक्स अपॉन डी टी होगा, समानुपाती कंसंट्रेशन ऑफ ए हो जाएगा। तो यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी टी अगर यहाँ पे समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक जुड़ता है, तो यहाँ पे बराबर क्या आ जाएगा, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। फिर इसके बाद हो जाएगा कि ए की मात्रा अंतिम क्यों है, ए माइनस एक्स है, तो यहाँ पे रखेंगे डी एक्स अपॉन डी टी बराबर के इंटू ए माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, ए माइनस एक्स को इधर लाएंगे, ए माइनस एक्स को इधर लाएंगे
और डी टी को इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स बराबर के इंटू डी टी डी टी, यह हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर अब समाकलन लेंगे, इस समीकरण का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर समीकरण एक मान लेंगे, समीकरण एक का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा या डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स बराबर के इंटू डी टी। के सामने स्थिरांक होता है, बेग स्थिरांक इसको कहते हैं, स्थिरांक होने के कारण इसका समाकलन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर यह जब समाकलन करेंगे तो यहाँ पे आता है माइनस लॉग ई ए के पावर ए माइनस एक्स बराबर के इंटू टी प्लस सी। सी क्या है, समाकलन स्थिरांक, समाकलन स्थिरांक। सी समाकलन स्थिरांक होता है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस लॉग यहाँ पर इसको समीकरण नंबर क्या मानते हैं, दो। तो यहाँ पर अगर यदि t बराबर क्या हो, जीरो है समय पर, t बराबर जीरो समय पर, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे जैसे t बराबर जीरो समय पर पदार्थ की मात्रा क्या है, एक ग्राम है, यहाँ पे x नहीं दिया है तो x बराबर क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि अब क्रिया होने से पहले पदार्थ की मात्रा क्या होगी, एक ग्राम होगी, तो उसमें से कोई पदार्थ की मात्रा घटेगी नहीं, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा समय पर x बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तब इन सबों का मान इसमें रख देंगे तो यहाँ पे x का मान रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, t का मान रखेंगे जीरो हो जाएगा, तो यह हो जाएगा log, ये हो जाएगा। तो यह हो जाएगा माइनस log e के पावर a, यहाँ पे ये नहीं लिखते हैं, ये हो जाएगा तो बराबर यह हो जाएगा c, क्योंकि t का मान जीरो रखेंगे तो गुणा कर देंगे जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर c का मान आप क्या करेंगे, समीकरण दो में रख देंगे, अब c का मान समीकरण दो में रखने पर समीकरण दो में रखेंगे तो यहां पर हो जाएगा लॉग
माइनस लॉग ए बेस टू द पावर ए माइनस एक्स बराबर के टी बराबर के टी प्लस माइनस लॉग ए बेस टू द पावर ए। अब इसको उठा के लाएंगे इधर, तो यहाँ पे माइनस है तो इधर आ जाएगा, क्या होगा प्लस हो जाएगा। इसको उठा के लाएंगे इधर तो यह प्लस में हो जाएगा या माइनस में है ही, तो के टी बराबर हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग ई बेस टू द पावर ए माइनस एक्स। यहाँ पे समीकरण होगा के टी बराबर लॉग ई बेस टू द पावर ए माइनस लॉग ई बेस टू द पावर ए माइनस एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा के टी बराबर यहाँ पर लग गुणा का सूत्र लगाएंगे, लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर होता है लॉग एम बटे एन, लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर होता है लॉग एम, यह सूत्र होता है लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर होता है या लॉग एम बटे एन होता है। तो यहाँ पर लॉग लॉग ए बाई ए माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे अब टी को इधर भेजें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा के बराबर वन बाई टी लॉग ई बेस टू द पावर ए बटे ए माइनस एक्स। यहाँ पर ई रहेगा, यह जो ई होता है जब समाकलन करते हैं तब आके यह लग जाता है, जब ई हटाएंगे बेस ई हटाते हैं तो यहाँ पे 2.303 का गुणा होता है। तो यहाँ पर लगा के बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स हो जाएगा। तो यह प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए क्या है सूत्र होता है। तो कर सकते हैं इस समीकरण को करण को इस समीकरण को इस समीकरण को प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण समीकरण कहते हैं, समीकरण कहते हैं। तो इस तरह से समझ हमको उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जहाँ लिखेंगे जहाँ
के क्या है? वेग स्थिरांक होता है, वेग स्थिरांक के क्या है? वेग स्थिरांक है। टी क्या है? समय है। और ए क्या है? पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा है। पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा है। ए माइनस क्या है? ए माइनस एक्स। या क्या है? पदार्थ की बची हुई मात्रा या शेष मात्रा? शेष मात्रा या बची हुई मात्रा। तीस इस तरह से इसमें देखेंगे तो एक और सूत्र आता है अर्धायु काल के लिए। तो अर्धायु काल, अर्ध आयु काल, अर्धायु काल के लिए देखेंगे। अर्धायु काल के लिए देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि अर्धायु काल की परिभाषा होती है कि किसी पदार्थ को आधा होने में, किसी पदार्थ को यानी कि एक ग्राम पदार्थ है, इसको आधा होने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? अर्धायु काल कहते हैं। तो यहाँ पर यानी कि जैसे पदार्थ की मात्रा क्या है? एक ग्राम है, या ए बाई टू हो जाएगा, तो उसमें जो समय लगेगा, ए बाई टू होने में जो समय लगेगा, तो ए बाई टू क्या हो जाएगी? शेष मात्रा हो जाएगी। आधा खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना? आधा ना बचेगा। और समय कितना हो जाएगा? टी हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर टी बराबर क्या हो जाएगा? टी हाफ हो जाएगा। टी बराबर टी हाफ। और ए माइनस एक्स बराबर, ए माइनस एक्स बराबर ए बाई टू हो जाएगा। तो इस समीकरण में रख देंगे, यह जो प्रथम समीकरण है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? के बराबर वन बाय आ जाएगा 2.303 अपॉन टी हाफ, अपॉन क्या हो जाएगा? टी हाफ लॉग ए बटे ए बाई टू हो जाएगा। तो यह वाला ऊपर चला जाएगा, यहाँ से यह ऊपर चला आएगा, और यह ए से ए कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो यह हो जाएगा के बराबर 2.303 अपॉन टी हाफ या लॉग टू हो जाएगा। अब लॉग टू का मान होता है 0.3010 या 0.3010। तो यहाँ पे 2.303 पॉइंट टी हाफ अपॉन टी हाफ या गुड़े 0.3010 तीस तरह से यहाँ पर 0.3010 का गुणा 2.3
303 में करेंगे तो यह आ जाएगा 0.693 बाई टी हाफ, तो यह क्या हो जाएगा के बराबर 0.693 बाई टी हाफ। तो यह अर्धाय काल के लिए सूत्र होता है, अर्धाय काल के लिए। तो यहाँ पर अगर टी हाफ को यहाँ पर लाएं तो यह टी हाफ बराबर हो जाएगा 0.693 बाई के, तो यानी कि जो अर्धाय काल है वह वेग स्थिरांक के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन यहाँ पे पदार्थ की मात्रा नहीं दिखाई दे रही है। जो टी हाफ है उसके सामने पदार्थ की मात्रा नहीं दिखाई दे रही है, बस वेग स्थिरांक दिखाई दे रहा, इसलिए प्रथम कोट की अभिक्रिया में, इसलिए प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए जो अर्धाय काल होता है अभिकारक पदार्थ के प्रारंभिक मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि जो प्रारंभिक मात्रा क्या है, 1 ग्राम है, यह पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल, अर्धायु काल प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल अभिकारक पदार्थ के, अभिकारक पदार्थ के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है।